बेस्ट फोन्स अंडर 30,000 रुपीज। क्या कहते रे बुच्छड़ को गुजराती में बोल के गुंडिया भाव आई वा छे बोल। अब ये भी बोलते साथ में पांड्या भी है साथ में गुंडा बहरा भी है। तो देखो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को बेस्ट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, किसी को कैमरा, किसी को परफॉर्मेंस, किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें बैकअप चार्जिंग स्पीड बढ़िया हो, और किसी किसी का ये भी होता है कि सारी चीजें एक फोन में मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। तो ये भी चीज हो सकती है पूरी। इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वीडियो को पूरा देख लेना, सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएंगी। क्या बात है। इस वीडियो में 5 फोन के ऊपर बात करेंगे। कुछ डिस्प्ले में अच्छे होंगे, परफॉर्मेंस में, या फिर बैटरी बैकअप, चार्जिंग, कैमरा में बेस्ट होंगे, या फिर कुछ सारी चीजों में भी बेस्ट होने वाले। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले फोन के साथ। अपने लिस्ट का पहला फोन है Realme GT Neo 3T। ये फोन का नाम कम और मैथ्स का इक्वेशन ज्यादा नहीं लग रहा। देखो इस फोन में 6.62 इंच का एक E4 AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर मिलता है, जो कि फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आपको देगा, जिसमें आप हाई ग्राफिक में गेमिंग कर सकते हो, हेवी टास्क कर सकते हो। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई स्नैपड्रैगन 888 जितना तो पावरफुल नहीं है ना। तो यहाँ पर यही कहेंगे कि भाई स्नैपड्रैगन 888 जितना हीट भी तो नहीं होता ना। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और बैक साइड के कैमरा से 4K 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। 5000mAh की बैटरी है, 80 वॉट का चार्जर है, तो चार्जिंग स्पीड सही लग रही है ना, 80 वॉट का चार्जर है। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब यहाँ पर 8 5G की बैंड्स मिलते हैं, तो 5G के लिए भी सही बन जाता है ये फोन। और इस फोन के प्राइस की बात करें तो 6GB प्लस 128GB वेरिएंट आपको 30,000 रुपए का मिल जाता है। अब देखो फोन काफी सही है, सेल में और भी सस्ता मिल सकता है, लेकिन रियलमी से एक शिकायत रहेगी कि भाई पुराना डिजाइन उठाया हुआ लगता है, मतलब कुछ डिजाइन में इंप्रूवमेंट होता तो और बेटर होता। दूसरे फोन की बात करते हैं, जो कि है ओप्पो राइनो 8। लगता है मिस्टेक हो गई, सॉरी, ओप्पो रेनो 8। अब अगर 30,000 के नीचे कोई एक बेस्ट कैमरा वाला फोन देख रहा है तो ये काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 6.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, और यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो डायमेंसिटी का 1300 प्रोसेसर है। अब ये MediaTek का एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, जिसमें आप हाई ग्राफिक में गेमिंग कर सकते हो, और इस प्रोसेसर से कॉम्पिटिटिव लेवल की गेमिंग का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखना। देखो टाइम पास के लिए इसकी परफॉर्मेंस काफी सही है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इसको पुश करोगे ना, तो वहां पर लेकिन ओप्पो ने एक खेल भाई सही खेल दिया, 12 5G की बैंड्स दे दिए, 5G को देखकर तो लोग खरीद ही लेंगे। इस फोन में एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, अब इतने पैसे दे रहे तो एंड्रॉइड 12 होना ही चाहिए। रियर साइड में आपको 3 कैमरास मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, और इसमें आपको सोनी का IMX766 सेंसर मिल जाता है, जो कि एक नया सेंसर है सोनी का, काफी बढ़िया सेंसर है। और इस कैमरा से ना 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 4K 30fps में, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी लवर्स को सेल्फी कैमरा भी दिया है, जिससे बढ़िया सेल्फी वगैरह आप ले सकते हो। 4500mAh की बैटरी, 80 वॉट का चार्जर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और इस फोन की प्राइस की बात करें तो 30,000 रुपए में इसका बेस वेरिएंट आपको मिल जाएगा। देखो अपने लिस्ट में 3 नंबर और 4 नंबर पे जो फोन आते हैं ना, वो ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनमें आपको सारी चीजें बैलेंस में मिलती है, काफी सही मिलती है। तो उनमें से सबसे पहला फोन है IQOO Neo 6 स्मार्टफोन। ये ना काफी सही ऑलराउंडर फोन है, मतलब डिस्प्ले हो, परफॉर्मेंस हो, कैमरा हो, बैटरी हो, या फिर चार्जिंग स्पीड हो, मतलब सारी चीजों में बेस्ट है। One solution. देखो 6.62 इंच का E4 AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर भी सेम स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर दिया है, जिसमें आप काफी बढ़िया गेमिंग वगैरह कर सकते हो। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में 3 कैमरास मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, और साथ में इस फोन में आपको OIS भी दिया है, तो अगर वीडियो बनाओगे तो ज्यादा हिलता नहीं वीडियो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, 4700mAh की बैटरी, 80 वॉट का चार्जर है, 5G के लिए फोन थोड़ा सही नहीं लगा, 4 ही 5G की बैंड्स मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और प्राइस की बात करें तो 8GB प्लस 128GB वेरिएंट 30,000 रुपए का मिल जाता है। देखो चौथा फोन कुछ इसी की तरह, और इसी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर पोको F4, जिसमें 6.67 इंच का E4 AMOLED डिस्प्ले, सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और सेम यहां पर भी स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर मिल जाता है। कैमरास की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, OIS दिया गया है, 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और 20
मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। लेकिन यहाँ पर एक जो अच्छी चीज है उस फोन में नहीं मिलती, वो है आपको 10 5G की बैंड्स मिलते हैं। तो एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो कि जो सारी चीजों में बेस्ट हो, साथ में 5G में काफी बढ़िया हो, तो ये फोन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 4500 mAh की बैटरी, 67W का चार्जर मिलता है, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, और ये इसकी प्राइस अगर हम बात करें तो 28,000 के अराउंड आपको मिल जाता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, OnePlus Nord 2T। ऐसा नहीं लगा इसका नाम सुन के कुछ टूट गया है? या मैं तो टूट गया। Oppo Reno 8 की तरह यहाँ पर भी 6.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 90Hz का रिफ्रेश रेट, Dimensity का 1300 प्रोसेसर मिल जाता है, और बैक साइड में 3 कैमरास मिलते हैं, 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, सोनी का IMX766 सेंसर मिलता है, और आपको यहाँ पर 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है, और हाँ इसके भी बैक साइड के कैमरा में आपको OIS दिया गया है। 4500 mAh की बैटरी, 80W का चार्जर है, तो मुझे लगता है कि बैकअप थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन हाँ चार्जिंग स्पीड काफी सही है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, 5G के हिसाब से भी बढ़िया है, मतलब 8 5G के बैंड्स मिलते हैं, लगभग ओप्पो रेनो 8 जैसे स्पेक लग रहे इसके। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। और इसके प्राइस की बात करें तो 6GB प्लस 128GB वेरिएंट आपको 29,000 यानी 29,000 रुपए का मिल जाता है। तो ये थे आपने 5 बेस्ट फोन जो 30,000 के नीचे आते हैं। कुछ कैमरा में अच्छे थे, कुछ परफॉर्मेंस में, कुछ तो ऑलराउंडर थे, मतलब 2 तो ऑलराउंडर ही थे। तो इनमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।